नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथ। दोस्तों, हर वीडियो से एक कंसेप्ट क्लियर, एक नंबर बढ़ाने का दावा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और इसमें टॉपिक जो हम लोग शुरू किए हैं वो है डिवाइजर। एक क्लास इसका हो चुका है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो आपका प्ले लिस्ट में जाकर के उसका पार्ट वन आप देख सकते हैं। तो काफी डिमांड आया था, दोस्तों पार्ट टू इसका जल्द बनाइए। और काफी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में, हर एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, तो आज जो डिवाइजर का जो सेकंड क्लास है हमारा, सेकंड क्लास है क्लास टू, इसमें देखेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आता है कि सर हिंदी में प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, तो मैथ में हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो अभाज्य मतलब होता है दोस्तों प्राइम, ठीक है, प्राइम, और गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर। तो हम लोग मतलब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों प्राइम फैक्टर की संख्या को फाइंड करना कि कैसे निकाला जाता है किसी संख्या में। ये क्वेश्चन आप एग्जांपल यहाँ दिए हैं, आप देखने से आप पता कर सकते हैं कि ये सारे एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, कितना इम्पोर्टेंट होगा। ज्यादातर रेलवे के लिए और एसएससी के लिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग ये पूछ दिया जाता है, चाहे एफसीआई हो या सीपीओ हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम भी हो या एसएससी का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट बेसिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, बिना पेन चलाए भी आप बना सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका पहले क्लास में आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट शुरू करते हैं कंसेप्ट जो है बेसिक। तो ये देखिए, कंसेप्ट वन में है कि दी गई संख्या को अभाज्य बनाएंगे। अभाज मतलब प्राइम बनाएंगे। प्राइम मतलब होता है दोस्तों कि जो केवल खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करना है दोस्तों, अभाज बनाना है, ठीक है, अभाज बनाना है। उसके बाद सभी के पावर को, पावर मतलब घात को जोड़ देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों, कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होने के बाद आपका एथमेटिक और एडवांस मैथ का भी टॉपिक आपको आते रहेगा। अगर कोई अर्जेंट हो, कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप टॉपिक का डिमांड कर सकते हैं, अलग से उसका वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल आ चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले कंसेप्ट जो बताए थे उसको एक बार बता देते हैं कि प्राइम फैक्टर करके बनाएंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिखेंगे पावर 10 और इसके पावर भी लिखेंगे 10। इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा, इसका पावर भी 6 होगा, इसका पावर भी 6 होगा, और 7 प्राइम है ऑलरेडी, अभाज है पहले से, तो ये ऐसे रह जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 का पावर ये 10 और हो गया यहाँ पे 6, ये हो गया 16, और 5 केवल आपका ये एक ही जगह पे है, तो 5 का पावर ये हो जाएगा 10, और 3 आपका केवल एक ही जगह पे है 6, और 7 केवल एक ही जगह पे है दोस्तों ये। तो टोटल आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, सबके पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 प्लस ये 10 हो जाएगा दोस्तों। तो 16 और 10 26 हो गया, 26 और ये 6 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस में ये 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 10 6 16 26 ये आपका हो गया 32, और 32 और 7 आपका हो गया दोस्तों 39, ये टोटल आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब ये आप सोच रहे होंगे बेसिक हो गया, अब इसको बिना लिखे कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो आपसे वादा किए थे कि हर बेसिक कंसेप्ट बतलाने के बाद एक ऐसा कंसेप्ट बतलाएंगे जिससे आप पेन नहीं चलाएंगे, आप सोच कर ही बना सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जब हम इसको फैक्टर करते हैं, और फैक्टर जितना बार होता है, देखिए 2 बार अगर होता है 2 × 5, तो पावर को भी 2 बार लिखते हैं। अगर मान लीजिए किसी का फैक्टर मान लीजिए कि 8 आ जाता, तो इसको लिखते 2 × 2 × आपको 2 लिखते, मान लीजिए इसका पावर 8 रहता तो ऐसे लिखते 8 8 8 8 तीन बार, तो तीन बार फैक्टर होता तो पावर को कितना बार जोड़ते, 3 बार जोड़ते। तो यानी इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जितना बार इसको हम फैक्टर कर सकते हैं बेस को, उतना ही बार पावर को जोड़ देंगे, मतलब कैलकुलेशन नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसको कितना बार आप फैक्टर कर सकते हैं, तो आप 2 बार कर सकते हैं, 2 और 5 में, तो पावर को भी जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों 20, लिखेंगे नहीं, मन ही मन जोड़ेंगे दोस्तों। अब आता है 6 पे, 6 को फैक्टर कितना बार कर सकते हैं, तो इसको भी 2 बार कर सकते हैं 2 और 3 में, तो इसको भी लिखेंगे 2 बार, 6 + 6 आपको लिख सकते हैं दोस्तों। और 7 को कितना बार फैक्टर कर सकते हैं, तो एक ही बार ये कर सकते हैं फैक्टर, ठीक है, 1 × 7, तो 1 तो आपको लेते नहीं अभाज्य संख्या में, तो केवल एक ही बार लिख सकते हैं, इसीलिए पावर को एक ही बार लिखेंगे, मतलब बेस को जितना बार करेंगे फैक्टर उतना ही बार जोड़ेंगे। इसको 2 बार करेंगे तो 2 बार लिखे, इसको भी 2 बार करेंगे तो 2 बार लिखे, इसको एक बार कर सकते हैं, तो इसको एक ही लिख दिए दोस्तों। अब सबको जोड़िएगा तो हो गया 20, 6 6 12,
ये हो गया 20, 12, 32 और 7 कितना हो गया दोस्तों 39। तो इसको मन ही मन आप निकाल सकते थे दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, दो बार होगा 10, 10, 20, ये भी दो बार होगा तो 6, 12, 20, 12, 32 और एक बार होगा तो 32 और 7 39 दोस्तों। उम्मीद करते हैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं मेंटली वर्क है दोस्तों। अब इसको देखिए, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक बार तो लिखेंगे केवल 3। इसको कितना बार फैक्टर कर सकते हैं तो 3 × 5 दो बार कर सकते हैं, तो 10 को लिखेंगे दो बार 10 10 तो 10 10 हो गया है दोस्तों 20। और इसको लिखिए, इसको फैक्टर कर सकते हैं नहीं, एक ही बार कर सकते हैं, एक बार 11 है या भाग संख्या है तो 11 को एक बार लिखेंगे। इसको फैक्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते दोस्तों, एक ही बार होगा तो इसको एक बार ही लिख दीजिए दोस्तों। तो उत्तर हो गया आपका, देखिए दोस्तों ये 10 10 20, ये हो गया आपका, ये हो गया 23, 23 हो गया दोस्तों। और 23 से 11 आपका हो गया कितना दोस्तों, ये हो गया 34, और 34 और 15 हो गया दोस्तों आपका 49 आपको हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट बना सकते हैं दोस्तों। अब ये आप मेंटली वर्क कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए 8 का पावर 8 दे दिए, 6 का पावर आपको 4 दे दिए और 2 का पावर 2 दे दिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों। अब इसको फैक्टर कितना बार कर सकते हैं, 3 बार, 2 × 2 × 2 तीन बार कर सकते हैं, तो 8 को जोड़ेंगे 3 बार तो 8 + 8 + 8। इसको कितना बार जोड़ कर सकते हैं फैक्टर, 2 बार तो 4 को लिखेंगे आपको 2 बार लिखेंगे। इसको कितना बार कर सकते हैं तो 1 बार, तो इसको लिखेंगे 1 बार दोस्तों। देखिए 8 8 16 16 16 ये हो गया 24 24 8 हो गया कितना 32 32 2 कितना हो गया दोस्तों 34। यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, आपको आराम से सीख सकते हैं। एक इसमें और कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक जो कंसेप्ट बतला रहे हैं, जो क्वेश्चन है एग्जाम में कम आता है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं डिवाइजर, तो एक फुल कंसेप्ट होना चाहिए दोस्तों। कौन सा आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप हमको नहीं पता है, लेकिन एक बैकअप होना चाहिए दोस्तों। तो एक मिनट टाइम लेगा इसको समझने में, इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन तो उसी तरह से दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए दोस्तों परिवर्तन है। अभाज्य गुणनखंड के जगह पे अभाज्य भाजक आ गया है दोस्तों, जिसको बोलते हैं प्राइम डिवाइजर। ठीक है, प्राइम डिवाइजर यानी अभाज्य भाजक की संख्या निकालना हम लोग ये पूछ दिया है, और ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन चांस कम बनता है। तो देखिये अभाज्य भाजक मतलब क्या होता है, अभाज्य भाजक मतलब खुद तो अभाजक अभाज्य हो, जैसे 7 अभाज्य है, ठीक है, 5 अभाज्य है, ठीक है, तो ये अभाज्य हो, 2 अभाज्य है, लेकिन ये खुद अभाज्य है लेकिन दूसरे के लिए तो भाज हो सकता, भाजक हो सकता है, जैसे 7 7 को काटता है, 14 को काटता है, 21 को काटता है। तो इस तरह की संख्या आपको बतलाना है कि खुद अभाज्य हो लेकिन किसी और को काटता हो या भाजक का काम करता हो, तो भाजक निकालना है, बट अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि बेस को उसी तरह से फैक्टर कर दीजिए दोस्तों, ये 6 हो जाएगा और ये फैक्टर नहीं होगा तो इसी तरह से छोड़ दीजिए और सबको फैक्टर कर दीजिए दोस्तों। ये 2 का पावर एक साथ कर दीजिए, 2 का पावर यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है 8 हो गया, और 3 का पावर यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का पावर भी आपका हो जाएगा कितना दोस्तों 8 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अभाज्य अभाज्य संख्या केवल दिखाई दे रहा होगा 2, अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है केवल 8 दोस्तों। इधर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपको इधर ये साइड में कि 2 अभाज्य संख्या है लेकिन 2 का पावर 2 जो है, 2 का पावर 1 ये अभाज्य है लेकिन 2 का पावर 2 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, 2 का पावर 3 8 ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अकेला कोई संख्या अभाज्य होता है, पावर अगर 1 से ज्यादा होगा तो वो भाज्य हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 का पावर 1 ये 3 अभाज्य है, 3 का पावर 2 ये अभाज्य नहीं है, 3 का पावर 3 ये अभाज्य नहीं है संख्या, ये भाज्य संख्या है जो कि दूसरे से कटता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि केवल अकेला रहेगा तभी वो अभाज्य भाजक का काम करेगा, पावर अगर रहेगा तो वो भाजक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अकेले रहेगा और ये भी अकेले रहेगा, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद ये अकेले रहेगा, काउंट कर लीजिएगा 1 और 1 ये, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2। तो अभाज्य भाजकों की संख्या आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका कितना 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बेस को काउंट कर लेंगे
एक दो जितना बार काउंट करेंगे वही आंसर होगा, कभी भी दोबारा किसी को काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाइए और लिखिए, बहुत ही लाइफ में काम आएगा दोस्तों। दोबारा उम्मीद करते हैं कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। वन बाय वन करके चैप्टर, हर चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, आपसे हमारा वादा है, चैनल पे बने रहिएगा। मान लीजिए 3 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 5 है, ये आपका 9 का पावर 9 है, इस तरह से आपको बोल दिया अभाज भाजक। देखिए ये अभाज खुद है तो एक हो गया, ये भी अभाज है तो ये भी एक हो गया, ये भी अभाज है ये भी एक हो गया, लेकिन ये तीन, ये देखिए अभाज नहीं है तो 3 × 3 करेंगे। अब दोस्तों 3 को यहाँ पे तो आप ले चुके हैं पहले से, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो उत्तर हो जाएगा अभाज भाजकों की संख्या 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों, 3 का पावर आपका 2 हो जाएगा और पावर यहाँ पे कितना है 9, तो 3 का पावर 3 और 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18। अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो 3 का पावर 18 और 3 = 21 हो जाएगा और 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। पावर से तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है बेस से, तो 1, 1 और 1 टोटल कितना होगा काउंट कर लिए दोस्तों 3, तो ये अभाज्य भाजकों की संख्या आ गया 3। दोस्तों इसका थर्ड क्लास जो होगा वो डिवाइजन से ही रिलेटेड होगा, भाजकों का योगफल बतलाएंगे, गुणनफल बतलाएंगे, ये बहुत ही फेमस है, तीसरे क्लास में बतलाएंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों। अगर पहली बार है तो चैनल पे तो रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।